हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश, चैप्टर टू, यानी चैप्टर दूसरे का जो है ये हम पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का हमने जो है हमने पहला पार्ट कर लिया था, शॉर्ट आंसर वाला था, उसके बाद हमने लॉन्ग आंसर वाला भी कर लिया था, एक पार्ट, दो पार्ट हो गया था हमारा, ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे में हम देखते हैं क्या, सी वाला पार्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं, जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है और इसमें फिल करके जो है पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मर्चेंट, इन द सिटी ऑफ बगदाद। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में, वहाँ पे जो है एक मतलब बहुत बड़ा अमीर जो है धंधे वाला था, ट्रेडर था, मतलब बिजनेस वाला था, कहाँ पे था, बगदाद के शहर में। ठीक है, चलिए दूसरा, द मर्चेंट ओन्ड अ लार्ज कारवां ऑफ कैमल्स। क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा, जो मर्चेंट था, बिजनेसमैन था, जो धंधे वाला था, उसके पास जो है बहुत बड़ा मतलब ऊँटों का जो है कारवां था, यानी बहुत बड़ा ऊँटों का जो है झुंड था, जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर रहे थे उस पर बैठ के, उसके आदमी लोग और सारा सामान ढोने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कारवां आ जाएगा दूसरे वाले में। तीसरा, कारवां की स्पेलिंग देखिए, CARVAN, कारवां। ठीक है, थर्ड वाला, इट रिक्वायर्ड मेनी डैश में क्या आ जाएगा, कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गुड। ये तो बहुत आसान था, इट रिक्वायर्ड मेनी कैमल्स, यानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत मतलब ऊँटों की ज़रूरत थी टू कैरी मर्चेंट्स गुड्स, यानी जो धंधे वाला आदमी था ट्रेडर, उसके सामान को ढोने के लिए। ठीक है, चलिए अभी चौथा, दे स्प्रेड द कैनवस टेंट्स एंड फेड द कैमल्स। क्या बोल रहे हैं, दे स्प्रेड द कैनवस टेंट, यानी उन लोगों जो है टेंट वेंट जो तंबू अम्बू थे वो लोग गाड़े फैलाए वाले तंबू अम्बू, एंड फेड द कैमल्स, और कैमल जो था ऊँटो थे उन लोग को जो है खाना पीना लोग खिलाए। ठीक है, कब खिलाते थे, जब सुबह होती थी तब, हर सुबह में ऐसे करते थे लोग, रात भर चलते थे, दिन में सुबह सोते थे, आराम करते दिन भर। पाँचवा, अ शाउट ऑफ जॉय बर्स्ट फ्रॉम द लिप्स ऑफ मैन। क्या बोल रहे हैं, अ शाउट ऑफ जॉय, यानी एक खुशी की आवाज़ निकली उसके मतलब ओठों से, कहाँ, किसके मतलब, एक आदमी के ओठों से, मतलब कैसे खुशी से निकलता है, जब प्यास लगी रहती है और कहीं पानी मिल जाता है तो लोग खुशी से कैसे झूम जाते हैं, तो उसी तरह से उसके प्यास मतलब उसके ओठ से जो है ऐसा निकला, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत खुश था वो। ठीक है, चलिए अभी हमारा ये सी वाला पार्ट हो गया, अभी हम लोग डी वाला पार्ट कर लेते हैं। डी वाले पार्ट में क्या दिया, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला गया है, ये ऑप्शन दिया गया है ABC, इसमें से जो टिक करना है उसके बाद जो यहाँ पे फिल करना है, हमने जो है टिक कर दिया है, अभी बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। कैमल्स वेयर द ओनली एनिमल्स, इसका अर्थ क्या होता है कि ऊँट ही सिर्फ एक मतलब जानवर थे, कहाँ थे, उस रेगिस्तान में चलने के लिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन आगे क्या आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे बी वाले के आगे टिक किया है ना, बी, देखिए यहाँ पे टिक किया बी वाले के आगे, तो यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा यही वाला आ जाएगा, कैमल्स वेयर द ओनली एनिमल्स स्ट्रांग इनफ टू ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट। यानी इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सिर्फ ऊँट ही ऐसे जानवर थे मतलब स्ट्रांग मतलब मजबूत जानवर थे जो मतलब वो रेगिस्तान में चल सकते थे और सफ़र कर सकते थे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, अब्दुल एंड हीज मैन ट्रैवल्ड, अब्दुल और उसके आदमी जो लोग थे वो लोग सफ़र किए, कहाँ किए सफ़र, कैसे किए, देखिए यहाँ पे, देखिए तीसरा सी वाले को हमने जो है टिक कर दिया, सी वाले को, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख फिल कर देना आप लोग ऑल थ्रू द नाइट, यहाँ पे लिख देना आप लोग को, तो क्या हो जाएगा, अब्दुल एंड हीज मैन ट्रैवल्ड ऑल थ्रू द नाइट, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अब्दुल और उसके आदमी लोग जो है सफ़र किए सारी रातों को, यानी रात रात में ये लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, इन दिस वे दे ट्रैवल्ड फॉर, अभी देखिए यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने टिक कर दिया पहले वाले को, ए वाले को, तो यहाँ पे ये ए वाला आप लोग को लिख देना है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इन दिस वे दे ट्रैवल्ड फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट्स, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस तरह से ये लोगों ने सफ़र किया 3 और शांत रातों का, एक्चुअली रात तो शांत होती है, सन्नाटा होती है, तो सन्नाटी रात बोलो या शांत रात बोलो, ठीक है, 3 रात और जो लोग सफ़र किए, ये हो गया तीसरा वाला। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे चौथा देख लेते हैं, द पायलट स्लेप्ट ऑन द वे बिकॉज, देखिए क्या बोला, द पायलट स्लेप्ट ऑन द वे बिकॉज, इसमें क्या आ जाएगा, पहला वाला, देखिए यहाँ पे हमने टिक कर दिया पहला वाला, ही वॉज टायर्ड, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द पायलट स्लेप्ट ऑन द वे बिकॉज इट ही वॉज टायर्ड, इसका अर्थ हो जाएगा कि पायलट जो है रास्ते में सो गया क्योंकि जो है वो बहुत थका हुआ था। ठीक है, बहुत ही थका हुआ था। चलिए पांचवा देखते हैं, अभी दे सेट अप अ पोल टू विच दे फास्टेंड अ फ्लैग सो दैट, यहाँ पे देखिए हमने टिक कर दिया बी वाले को, ठीक है, सो दैट अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल, ये जो है यहाँ पे लिख देना आप लोग को, तो इसका
ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे सेट अप अ पोल, यानी वो लोग जो है एक खंबा गाड़ दिए, सेट कर दिए, टू विच दे फास्टेंड अ फ्लैग, जिसमें जो वो लोग ने एक झंडा मतलब बांध दिया, किसमें, वही पोल जो पोल था, पुल था, मतलब पोल बोलते हैं ना खंबा, उसी खंबे में ये लोग बांध दिए थे एक झंडा, सो दैट अदर ट्रेडर्स, इसलिए जो क्योंकि और भी जो धंधे वाले होंगे, ट्रेडर्स लोग होंगे, माइट फाइंड द वेल, यानी वो लोग जो है आसानी से जो है कुआं ढूंढ करके जो लोग आराम करके पानी वगैरह जो होंगे पीने में वो लोग पी लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो है ये डी वाला पार्ट भी हो गया, और ये देखिए शार्प योर वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है हम लोग इसको अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।